हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ सिंगल कलर की एक बहुत ही खूबसूरत मोती जैसी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में उतनी ही आसान भी है। ये 4 रो की डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालते हैं वो इवन नंबर में डालते हैं, जैसे कि 10, 12, 14, 16। यहाँ मैंने 12 फंदे डाले हैं। 2 रो का बॉर्डर बना है जो कि दोनों ओर से सीधे सीधे फंदों से बनाया गया है। राइट साइड से भी इसे सीधे फंदों से बुना गया है और बैक साइड से भी इसे सीधे फंदों से बुना गया है। वैसे तो ये 2 रो की ही डिज़ाइन है जिसमें फर्स्ट रो में ही डिज़ाइन डाली जाती है और सेकेंड रो उल्टे उल्टे फंदों से बिनी जाती है। लेकिन जब 2 रो की हम डिज़ाइन बना लेते हैं उसके बाद हम ये जगह चेंज करते हैं, तो जगह चेंज करने के कारण ये हमारी 4 रो की डिज़ाइन बन जाती है। अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद ये 2 फंदों में की डिज़ाइन है, इसलिए 2 फंदों के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है वहाँ पर सिलाई डालेंगे। इस तरह से 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को हम इसी सिलाई पे, पहले वाली जिस पे हम सारे फंदे हैं उसी पे इस तरह से चढ़ा लेंगे। इसके बाद उनको हम आगे करेंगे और ये 1 फंदा चूँकि ज़्यादा हो गया है, ये लूप बनने के कारण 1 फंदा ज़्यादा हो गया है, तो इस लूप को और पहले फंदे को दोनों को मिला करके 1 फंदा उल्टा बिन लेंगे। इसको स्लिप कर देंगे, इसके बाद का दूसरा फंदा भी उल्टा बिन लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो 2 फंदों से 3 फंदे हो गए थे वो फिर से 2 फंदे हो जाएंगे। उनको फिर से पीछे करेंगे। इसी तरह से हमें बुनना है। कैसे बुनेंगे? उनको पीछे करके हम 2 फंदों के बाद जो गैप है वहाँ पर सिलाई डालेंगे, 1 फंदा बुन लेंगे। इस तरह से ये एक लूप बना लेंगे। इस लूप को इसी सिलाई पे जिस पर फंदे हैं चढ़ा लेंगे। उसके बाद इस ये लूप और इसके बाद जो फंदा है उन दोनों को, ये दोनों को एक साथ हमें बुनना है और उल्टा बुनना है। आगे उन करके इन दोनों को हम उल्टा बिन लेंगे। इस तरह से उल्टा बिन लेंगे और उसके बाद वाला फंदा भी उल्टा बिन लेंगे। इस तरह से हमें बनाना है। फिर इसी तरह से करना है, उन पीछे करना है। 2 फंदे के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है वहाँ पर सिलाई डाल करके 1 फंदा बिनना है। इस तरह से इस फंदे को इसी सिलाई पर चढ़ा देना है, उनको आगे करना है और इन 2 फंदों से, एक ये जो लूप है और एक इसके बाद वाला फंदा है, दोनों से 1 फंदा बनाना है इस तरह से। और इसके बाद जो दूसरा फंदा है उससे 1 फंदा उल्टा बिन लेना है। इस तरह से पहले हमारे 2 फंदों से 3 फंदे होंगे और 3 फंदों से फिर तुरंत ही 2 फंदे हो जाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। उनको पीछे करना है, 2 फंदों के बाद जो गैप है वहाँ पर सिलाई डाल करके 1 सीधा फंदा बुनना है। इस लूप को इसी सिलाई में चढ़ा देना है, उनको आगे करना है और इन 2 फंदों से ये लूप और इसके बाद वाला जो फंदा है 2 फंदों का 1 बनाना है पहले उल्टा और फिर इसके बाद वाले फंदे को उल्टा बिन लेना है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। लास्ट में 1 फंदा बचा हुआ है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। ये हमने सीधा फंदा बुन लिया है। डिजाइन की 2nd रो है जो कि बैक साइड से है। पूरी रो हम उल्टे उल्टे फंदों से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, इसके बाद के सारे फंदे हम इस तरह से उल्टे उल्टे बिन लेंगे। 2nd रो के सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बनाने हैं जो कि बैक साइड में हैं। 2 रो बना करके मैंने एक बार डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी बार डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इस बार डिज़ाइन की जगह चेंज हो जाएगी, इसलिए ये 2 की जगह 4 रो की डिज़ाइन हो जाएगी। तो अब हम 3rd रो बनाने जा रहे हैं। 1st रो में हमने क्या किया था कि पहला फंदा हमने स्लिप किया था और इसके बाद 2 फंदों के बाद ये गैप में हमने सिलाई डाल करके डिज़ाइन बनाई थी। लेकिन इस बार हमें चूँकि जगह चेंज करनी है, तो 1 फंदे के यहाँ हम 2 फंदे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये 2 फंदों के बाद गैप में जो बीच का गैप है, 2 फंदों के बाद का जो गैप है वहाँ पर इस तरह से सिलाई डाल करके फंदा बनाएंगे, उसको इस तरह से उसी सिलाई पर चढ़ा लेंगे, उनको आगे करेंगे और उसके बाद ये जो लूप है और जो फंदा है हमारा
इन दोनों से एक फंदा बना लेंगे, वो भी उल्टा बनाएंगे, और इसके बाद जो दूसरा फंदा है उससे भी एक उल्टा फंदा बना लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, ऊन को पीछे करेंगे, फिर यही दो फंदों के बाद जो गैप है वहाँ पर सिलाई डाल करके एक फंदा बनाएंगे, और इस फंदे को इसी सिलाई पर इस तरह से पलट लेंगे, ऊन को अपनी तरफ आगे करेंगे, और दो फंदों से ये एक लूप और एक जो फंदा है दो फंदों का एक उल्टा फंदा बना लेंगे, और जो दूसरा फंदा है उससे एक उल्टा फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमें दो फंदों की डिजाइन बनानी है, फिर उन पीछे करेंगे, फिर इसी तरह बनाएंगे, दो फंदों के बाद का जो गैप है वहाँ पर एक इस तरह से लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद इस लूप को हम इसी सिलाई पे चढ़ा लेंगे, ऊन आगे करेंगे, इन दोनों फंदों से एक लूप और एक फंदा, दो फंदों से एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को एक उल्टा बिन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, डिजाइन की थर्ड रो है और ये राइट साइड से है। लास्ट में दो फंदे बचेंगे, उनको पीछे करके इन दोनों फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये हमारी डिजाइन की थर्ड रो है और राइट साइड से है। अब हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं। ये रो पूरी उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। फोर्थ रो बनाने के बाद हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो डिजाइन की लास्ट रो है। यहाँ पर फोर रो बना करके मैंने एक बार डिजाइन कंप्लीट कर ली है। बहुत ही खूबसूरत मोती वाली डिजाइन है, इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, इससे आप बॉर्डर भी बना सकती हैं। इस डिजाइन को आप कार्डिगन, जैकेट, कोटी, फ्रॉक किसी में भी आसानी से डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो आपको समय से मिल सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये डिजाइन पसंद आई हो, डिजाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक्स।